हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं कंप्लीटली यहां पे यस बैंक के बारे में। यस बैंक के स्टॉक ने जो आज ब्रेकआउट दिया है उस ब्रेकआउट के बारे में कंप्लीटली यहां पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में ये बात करेंगे कि आने वाले टाइम में ये क्या लेवल यहां पे जो है आपको दिखा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें जो कुछ इवेंट्स है वो अभी इस मंथ के अंदर, पिछले मंथ के अंदर और अभी जो Q4 के रिजल्ट आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको चीजें बताऊंगा। उसके बाद में हम चलेंगे इसके टारगेट्स के ऊपर, इसके क्या टारगेट्स दिखा सकता है ये और इसका जो चार्ट है वो कितना प्रोग्रेसिव यहां पे दिखा रहा है आने वाले टाइम के लिए। तो दोस्तों इसको पूरा पूरा ध्यान से इस वीडियो के 1x1 सारी चीजों को देखना है ताकि आपको सारी चीजें यहां पे समझ में आ सके और आप जो है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन ले सको कि इसके अंदर आपको शेयर होल्डिंग बढ़ानी चाहिए, घटानी चाहिए, क्या करना चाहिए इस मौसम के अंदर, इस टाइम के अंदर। तो दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो नीचे लाइक का बटन है, उस लाइक के बटन को दबा के मुझे मोटिवेट कर सकते हो, मुझे कमेंट करके आपके जो और डाउट हैं वो भी यहां पे पूछ सकते हो। तो दोस्तों आगे चलते हैं यहां पे वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक चीज जो यहां पे रिसेंटली हुई, उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो डिश टीवी है, डिश टीवी का आप सभी लोगों ने बात सुन रखा होगा। तो डिश टीवी और यस बैंक का काफी लंबे टाइम से यहां पे डिस्प्यूट चल रहा है क्योंकि यस बैंक की 25.6% हिस्सेदारी है यहां पे डिश टीवी के अंदर। इतनी 25.6% इनकी जो शेयर होल्डिंग है वो डिश टीवी के अंदर है। तो उसके अंदर सुभाष चंद्रा का क्लेरिफिकेशन आया था तो उनके तरफ से एक जो है बात सामने आई, उन्होंने क्या बोला वो यहां पे बात करते हैं। तो यस बैंक मस्ट डिसाइड इफ इट इज डिश टीवी इन्वेस्टर और ए लेंडर। तो यहाँ पे यस बैंक को ये समझना होगा, ये बताना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो डिश टीवी के अंदर इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टर रहना चाहता है या फिर एज ए लोन देने वाला, लोन दाता या फिर लेंडर रहना चाहता है। तो उससे एक क्लेरिफिकेशन यस बैंक यहाँ पे बता दे ताकि हम जो है उसके हिसाब से सेटलमेंट यहाँ पे है वो कर सकें। तो आप यहाँ पे चीजें क्लियरली देख सकते हो कि सुभाष चंद्रा जो है ब्रेकिंग हिज साइलेंस ओवर SL ग्रुप्स डिस्प्यूट विथ यस बैंक ग्रुप। ग्रुप के जो सुभाष चंद्रा है उन्होंने क्या कहा है कि बैंक शुड डिसाइड इट्स रोल एज ए शेयर होल्डर ऑफ डिश टीवी इंडिया और लेंडर सो दैट द ग्रुप कैन अकॉर्डिंगली टेक स्टेप टू सेटल द पेंडिंग इशू विद इट। तो यहाँ पे क्लियरली ये चीज सुभाष चंद्रा ने कह दी है कि हम इसके अंदर कोई भी डिस्प्यूट में नहीं है, हम इनके कोई भी पैसे को जो है यहाँ पे हमारे खाने का या ऐसा कुछ कोई हमारा इरादा नहीं है। क्लियरली इन्होंने ये चीज बोल दी है। तो ये जो है ये न्यूज ज्यादा पुरानी नहीं है, आप अगर देखोगे तो ये न्यूज है यहाँ पे लगभग 15-20 दिन पुरानी, यहाँ पे 16 मार्च की ये न्यूज है। क्योंकि अब डेली हम सारी चीजों को ट्रैक नहीं कर सकते लेकिन सबको मिला के अगर ट्रैक करते हैं तो एक जो है आपको एक रास्ता है एक स्टॉक के अंदर आगे क्या होने वाला है वो समझ में आने लग जाता है। तो यहाँ पे यस बैंक को क्लियरली यहाँ पे एक चीज दोनों ऑप्शन दे दिए हैं तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज जो है पहले इसके अंदर देखने को मिली। तो आज की जो डिश टीवी की जो डिश टीवी के शेयर की रेट है उसके हिसाब से जो यस बैंक का हिस्सा बनता है वो बनता है 713 करोड़ का। यहाँ पे अगर ये 25.63 जो परसेंट का स्टेक यहाँ पे डिश टीवी के अंदर यस बैंक रखता है तो 713 करोड़ का स्टेक यहाँ पे जो है मार्केट प्राइस के अनुसार बनता है। तो यस बैंक को डिसाइड करना पड़ेगा, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना रहना चाहता है तो वो भी अच्छी बात है और अगर पैसा लेना चाहता है तो उस हिसाब से भी वो बता सकता है। तो SL ग्रुप ने एक क्लियर कर दिया है। उसके बाद में हम बात करते हैं SL ग्रुप ने एक क्लियर किया है उससे पहले आप थोड़ा सा देखो कि SL ग्रुप के अंदर भी अभी जो है कुछ बहुत कुछ हुआ उसके बाद में काफी स्ट्रॉन्ग उभर के आया SL ग्रुप। अब SL ग्रुप के अंदर एक जो आपको बताऊंगा जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड, जील का आपने सबने यहाँ पे सुन रखा होगा, कितना अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे अपन को देखने को मिला इसके अंदर। 120 के लेवल पे जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था उसके बाद में हमने इसके अंदर मूव आते देखा, 350 के लेवल तक हमने मूव आते देखा। उसके बाद में झुंझुनवाला की जो कंपनी है और उनके नवाइब्स के नाम से चलती है उन्होंने भी इसके अंदर काफी अच्छे खासे स्टेक जो है वहां पे बाई किए। उसके बाद में थोड़ा हमने स्टॉक के अंदर करेक्शन देखा, अच्छा खासा करेक्शन देखने के बाद वापस स्टॉक जो है एक अच्छा मूव यहाँ पे दिखाता हुआ आ रहा
रहा है और यहाँ पे 300 के लेवल 292 के लेवल जो है इसके ऊपर आज ये ट्रेड कर रहा है। तो ये जो सोनी के साथ जील की जो डील हुई है, विद सोनी जो डील हुई है, उसके बाद में एसएल ग्रुप भी काफी स्ट्रोंग हो गया है और उन्होंने बोल दिया है कि यस बैंक को अगर फंड की प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो वो हमें इश्यू बताए, उनको इन्वेस्टर रहना है तो ठीक है, इन्वेस्टर नहीं रहना है तो उनको हम जो है उनका सेटलमेंट है वो करने को यहाँ पे तैयार हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरी न्यूज के बारे में। पहली न्यूज हो गई कि एसएल ग्रुप और जो लंबा विवाद चल रहा था यस बैंक के बीच में, वो न्यूज हो गई। दूसरी न्यूज यहाँ पे है, यस बैंक एडवांसेस राइज 8.8% ईयर ऑन ईयर इन Q4। तो 22 के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर 22 है, तो उसके अंदर क्या हुआ है उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे होती हुई दिखी है, वो आपको ध्यान से देखनी है, सब चीजें समझ के उसके बाद में डिसीजन लेना है कि स्टॉक के अंदर हमें बने रहना है या नहीं रहना है। तो डिटेल में इसके ऊपर बात करते हैं। इसके अंदर जो आपको ध्यान में रखने वाली चीज है, जो आपको ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि आपने देखा इस स्टॉक को 400 रुपए का हाई बनाते हुए देखा और यहाँ पे 10-11 रुपए का लो बनाते हुए भी हमने इस स्टॉक को देखा। इवन 5-6 रुपीज के लो पे भी कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम फ्रेम, एक घंटा आधे घंटे के लिए जाते हुए हमने कोरोना टाइम पे यहाँ पे इसके अंदर देखा था उसके थोड़ा बाद। लेकिन अभी जो जनरली इसका लो है वो 10-11 के स्टेबल लो तो यही देखा है हमने इसके अंदर 10-11 के लेवल के पास। लेकिन अब जो है, अब इसके अंदर हम इस स्टॉक के हाई की बात करें, 400 रुपए तक ये स्टॉक है वो जा चुका है। अब हम बात करने वाले हैं कि कोई भी स्टॉक हो उसके अंदर अगर आपका ट्रस्ट है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी स्टॉक, कोई भी बैंक हो, उसके अंदर ट्रस्ट है तो इन्वेस्टर ही उस स्टॉक को वैल्यू देते हैं। अब यहाँ पे ट्रस्ट से मेरा मीनिंग है कि अगर आप किसी बैंक पे, किसी इंस्टीट्यूशन पे अगर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो जनरली आप उसके अंदर अपना पैसा तो डिपॉजिट नहीं करोगे। ये तो क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको किसी बैंक के अंदर डर लगता है, जैसे आपको कोई ऐसी बैंक है जिसमें RBI ने कुछ उस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, कुछ दिक्कतें हैं, तो आप बिल्कुल उसके ऊपर नहीं जाओगे, अपने पैसे जो डिपॉजिट है वो वहाँ पे नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है सेफ साइड में मुझे यहाँ पे देखने को मिली Q4 के अंदर, कि लगातार Q4 की बात नहीं, पिछले और क्वार्टर में भी मैंने देखा लगातार इसके अंदर जो डिपॉजिट्स हैं, जो लोगों के डिपॉजिट्स हैं, जो बाकी डिपॉजिट्स हैं, वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइवेट बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज बाय 7.1% ईयर ऑन ईयर। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चीज है बैंक के लिए कि उसके ऊपर जो डिपॉजिट्स हैं वो ईयर ऑन ईयर अगर पिछले साल से इस साल का अगर कंपेरिजन करूं तो 7.1% से यहाँ पे इंक्रीज हुए। दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और क्लियरली विजिबल है कि 21.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। जो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर की बात करूं तो 21.1% यहाँ पे डिपॉजिट्स हैं वो इंक्रीज हुए। ये बताता है ट्रस्ट, ये बताता है बैंक के अंदर जो ट्रस्ट है वो वापस से स्लोली बिल्डअप होना यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो ये चीज यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है वो यहाँ पे ट्रस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे दिखती है। जो एक एज ए बैंक यहाँ पे लोगों का जो ट्रस्ट है बैंक पे होता है वो यहाँ पे दिखता है। तो ये चीजें जो है पॉजिटिव है, मूव फॉरवर्ड है, इनका जो इफेक्ट है आने वाले टाइम में आपको हो सकता है शेयर के अंदर, शेयर के वैल्यूज के ऊपर है वहां पे देखने को मिल सकता है। बाकी आप सारे डेटा चेक कर सकते हो, लेकिन जो मेन जो आपके काम की चीज है वो ये है कि इसके अंदर जो डिपॉजिट्स हैं वो कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो एक ट्रस्ट को बताता है। और ट्रस्ट ही जो है शेयर होल्डर का ट्रस्ट या फिर पब्लिक का ट्रस्ट ही किसी कंपनी को वैल्यू आपको देता है और देता रहेगा हमेशा। अब उसके बाद में हम बात करते हैं इसके चार्ट की। तो मैं चार्ट के अंदर, ये वीकली चार्ट है, इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये वन ईयर का चार्ट है लेकिन इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा सा बड़ा चार्ट, थोड़ा सा डिटेल में आपको चार्ट देख के यहाँ पे जो मैंने कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ड्रॉ कर रखे हैं उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करेगी, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके इसके अंदर करना क्या है, क्या हमें हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, एज ए इन्वेस्टर हमारी क्या रहनी चाहिए। अगर हम नए इन्वेस्टर हैं इसके अंदर, नई पहली बार इसमें पोजीशन बना रहे हैं, तो क्या अपनी स्ट्रेटजी जो है इसके अंदर रहनी चाहिए ताकि हम सेफ साइड में रहें।
तो दोस्तों आप जो रेड रेड लाइन देख रहे हो ऊपर, जो रेड लाइन देख रहे हो आप यहाँ पे जो आपको दिख रही होगी, इसको एज ए मैंने एक रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे दिखाया है। ये जो पूरी बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर आपको नीचे मैंने सपोर्ट के तौर पे दिखाया, एक बार इसको जरूर ब्रेक किया लेकिन आपको 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थ्री पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट, चार पॉइंट पे यहाँ पे जो है यस बैंक ने सपोर्ट लिया है। ये लगभग लगभग 12 रुपए के लेवल को आप मान सकते हो, 12.15, 12 पॉइंट इस लेवल को जो है एक सपोर्ट मान सकते हो। यहाँ पे इसने चार बार, फोर टाइम यहाँ पे जो सपोर्ट है वो यहाँ पे बैंक के स्टॉक ने लिया है, तो एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट के तौर पे इसको देखा जा सकता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो ये इतना ज्यादा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड अब यहां पे हम देखेंगे कि होने वाला क्या है। तो 7 टाइम हमने इस प्राइस को एज ए रेजिस्टेंस यहां पे यस बैंक के अंदर देखा है। तो डेफिनेटली गाइस अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यहां पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक के अंदर यहां पे बन सकती है। एज ए टेक्निकल व्यू देखें तो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। दूसरी चीज अगर हम ये देखें कि फंडामेंटली देखें, तो मैंने आपको ट्रस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि इसके अंदर जो डिपॉजिट्स हैं वो यहाँ पे 2022 के क्वार्टर फोर के रिजल्ट जो है, अगर आप 21-22 के देखें तो उसके अंदर काफी अच्छे खासे इंक्रीज होते हुए यहाँ पे जो है हमें दिखे हैं। तो ये सारी चीजें थी। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें इमिडिएटली यहाँ पे 18 के लेवल है वो यहाँ पे यस बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में हो सकता है थोड़ी बहुत यहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, लेकिन उसके बाद में जो मेजर उसके आगे का रेजिस्टेंस होगा, अगर उसको ब्रेक करता है तो यहां पे 21 का जो रेजिस्टेंस है वो उससे आगे का मेजर रेजिस्टेंस होगा। तो अगर यहां तक इसको अगर सस्टेन करता है तो हम यहां पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, डिटेल में बात करेंगे आगे इसके अंदर क्या होने वाला है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।